बसमान रहीकुम आज है जी चांद रात चांद दिन जो है वो आपने कल मेरे साथ पूरा मनाया सारा दिन किचन में गुजारा खूब मज़ेदार किस्म के खाने पकाए अब जी आज ऐलान हो चुका था कि कल ईद है लेकिन अभी तक इफ़ार नहीं हुआ था तो बस जी हमें पता तो चल ही गया था कि अगले दिन ईद है बल्कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मगरिब से पहले ही ऐलान हो गया था चांद देखने से पहले ही कि कल ईद है क्योंकि शायद हर जगह से जो है वो बहुत शहादतें वसूल होनी शुरू हो गई थी तो बस जी मैंने इस दफ़ा की थीम जो है वो सिल्वर रखी है और जो पुराने वाला ईद का बैनर था उसी को मैंने उल्टा के उसमें सिल्वर स्टिकर से ईद मुबारक लिख दिया देखिए जी ज़रा बजट फ्रेंडली होना चाहिए हर किस्म की डेकोरेशन को क्या ख़्याल है आपका घर अच्छा लगे मगर जेब पे भारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो बस लाइट्स में बैटरी डाल दी है और यहाँ पर हमारा इफतार का टेबल सेटअप हो रहा है कितनी पुरानी बात लगने लगी है ना ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन पहले रमज़ान आया था तो जी सात पचास पर हमारे पास रोज़ा इफ़ार हो रहा था यहाँ पर हमने इफ़ार की तैयारी की इफ़ार करने के बाद जो है नमाज़ वग़ैरह पढ़ी थोड़े से रिलैक्स हो गए और उसके बाद मैंने आके हलीम की दालें भिगोईं ये दालें सेपरेटली मिलती हैं तो इसको आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करके जो है वो भिगो सकते हैं तो आपके अंदाज़े के लिए मैं बता दूं कि तकरीबन साढ़े सात सौ ग्राम दालें जो हैं वो मैंने भिगो दी हैं हलीम बनाने के लिए अच्छा मुझे जो है वो सारे फ्रेंड्स की तरफ से कंफर्मेशन आ गया था कि कौन कब आएगा लेकिन दो फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने शाम को छः बजे के बाद आना था तो पता नहीं मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा ना हो कि जब तक वो आएँ तो चिकन कढ़ाई खत्म हो जाए क्योंकि मैंने चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनाई तो मैंने दो से तीन चिकन ब्रेस्ट लिए हैं उनके छोटे छोटे से पीसेस किए हैं उनको मैंने ऑयल में फ्राई होने रख दिया है उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और एक से डेढ़ टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाला है तंदूरी मसाला इसको एक ख़ास किस्म की तेज़ी भी देगा और कलर भी देगा दूसरे चूल्हे पे मैंने तीन से चार टमाटर जो हैं वो ब्लेंड करके और बड़े साइज़ के टमाटर थे वो मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए इससे होता ये है कि टाइम बहुत बच जाता है अब जब तक चिकन का पानी खुश्क हुआ उसमें टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया अब दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसमें मैं डालूंगी आधा कप दही और इसको दम वाली आंच पे रख दूंगी जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसमें आप नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें मैंने थोड़ा सा माइल्ड रखा था क्योंकि जिन फैमिलीज़ ने आना था वो बहुत तेज़ नमक मिर्च नहीं डालते हैं तो आप इस स्टेज पर जो है वो नमक और थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो चेक कर सकते हैं तो बस जी हमारी हांडी तैयार है सर्व करने से पहले इसके ऊपर मैं क्रीम डालूँगी और ज़बरदस्त किस्म की हांडी जो है वो इन शाली कल ईद के दिन सर्व हो जाएगी अच्छा यहाँ पे जो है पीच केक है और पीच केक मैंने शाम में ही बनाया था क्योंकि मेरे पास दिन के वक्त जो है वो पीच का कैन नहीं था तो बहुत से लोग इसकी रेसिपी मांग रहे थे अब मैं ढूंढती हूँ कि वो कौन सा व्लॉग था तो इनशाला तौर उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी यूजली जब मुझे देसी नाश्ता बनाना हो तो मैं सुबह सुबह ही आलू चने हलवा सब बनाती हूँ लेकिन चूँकि हलवा मैं सुबह बना चुकी थी तो मैंने सोचा कि चने भी बना लिए जाए इसमें मैंने प्याज ब्राउन करके आपने डालना है मेरे पास ब्राउन प्याज था वो मैंने डाल दिया उबले हुए चने उनके पानी के साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए नमक मिर्च हल्दी गर्म मसाला धनिया पाउडर ये डाला है थोड़ा सा तेज़पात और हरी मिर्ची डाली हैं थोड़ी सी साबित मिर्ची डाली है और कलर देने के लिए जो है मैंने एक टी बैग को अच्छी तरह से पका के सिर्फ उसका पानी डाल दिया इससे क्या होता है कि चनों का कलर डार्क हो जाता है वैसे जो बाजार में चने मिलते हैं वो कितने काले रंग के होते हैं तो जिस वक्त आप चने बॉइल करें उस वक्त आप पत्ती की एक पोटली बनाएँ और उसको उसी में डाल दें प्रेशर कुकर में तो फिर आपके चने बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के बॉयल होंगे लेकिन चूँकि मैंने बॉयल करते हुए इनमें पत्ती नहीं डाली थी तो इसलिए मैंने सालन में इस टाइम पर डाली है इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता बस चने जो है वो पीले पीले नहीं पकते अच्छे खूबसूरत ज़रा ब्राउन से पकते वैसे मेरे पास कोई ऑथेंटिक रेसिपी है नहीं अगर आप में से किसी के पास चनों की बहुत कमाल कोई रेसिपी है ना तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है तो चने ऑलरेडी उबले हुए हैं इन्हें थोड़ी देर में ढक के रखूँगी हमारे चने तैयार हो जाएंगे ये सब काम करते करते बच गए थे रात के बारह तो मैंने सोचा कि मैं हलीम की तैयारी स्टार्ट कर दूं अभी तो हलीम पकाने के लिए बहुत जल्दी है लेकिन मैं डिले मोड का इस्तेमाल करूंगी इंस्टेंट पॉट में यानी कि मैं गोश्त को अच्छी तरह से गला लूंगी तकरीबन एक किलो गोश्त है इसके अंदर और साढ़े सात सौ ग्राम दालें हैं टू एंड अ हाफ पैकेट जो है वो मैंने शान के मसाले यूज़ किए थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक ताकि चटपटा हलीम बने तो आप मसाले को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और डिले मोड में होता यह है कि मैं इसमें टाइमर लगा दूंगी कि पाँच से साढ़े पाँच घंटे के बाद जो है वो ख़ुद ब खुद ये प्रेशर कुक हो जाए द टाइम में फजर पड़ने के लिए उठूंगी इसमें सब दालें और सारा गोश्त गल जाएगा उस वक्त मैं ब्लेंडर चला चलाऊँगी इसमें और इसको बघार के स्लो कुक मोड में रख दूँगी तो जब तक मेरे मेहमान आने शुरू होंगे हमारा हलीम जो है वो बहुत अच्छा मज़ेदार तैयार हो जाएगा इस तरह से जो है वो बहुत कन्वीनियंस होती है आप चाहें तो हलीम पहले से पका के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह में देगची में डाल के उसे गर्म कर लीजिए तो भी वही बात बनेगी जो इंस्टेंट पॉट में बनती है मेरे पास जेली के दो तीन एक्स्ट्रा पैकेट पड़े हुए थे क्योंकि बच्चे शौक से जेली खाते हैं और इतफाक़ की बात है कि अंदर कबर्ड से जो है ये शॉर्ट ग्लासेस भी निकल आए तो बस फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे कल आएंगे उनके लिए जेली के शॉर्ट्स बनाए जाएं क्योंकि बच्चे हमेशा जेली देख के बहुत खुश होते हैं अगर आप नॉर्मल दावत का इंतज़ाम करें तो ज़ाहिर है बीच में रोज़ा खोलने वगैरह वा वाला कोई सिलसिला नहीं होता या थोड़ी सी थकान नहीं होती और वैसे भी ये वाली रात जो है ये भी बहुत दुआएं मांगने वाली रात होती है तो मैंने थोड़ी सी इबादत भी की तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई और इस वक्त जो है वो तकरीबन बारह साढ़े बारह का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा कि अब मैं सारा काम ख़त्म करके ही सोने जाऊँगी तो केक डेकोरेशन में मैं बहुत अच्छी हूँ नहीं तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं बस मैंने जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया और एक साइड मैंने व्हाइट चॉकलेट लगाई है एक साइड पे नॉर्मल चॉकलेट और ऊपर से मैंने कुकीज़ को क्रम करके डाल दिया है अब मैं इसको उसके सर्वर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी ताकि अब सुबह मुझे इसका कोई काम ना करना हो अगर आपके पास चने पहले से उबले हुए हैं तो चना चाट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है लेकिन चूंकि मैंने पहले मेहमान को सुबह 11 बजे बुलाया था और मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा सोना चाहती थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने सब काम ख़त्म करके सोऊं तो थोड़े से ऑयल में मैंने उबले हुए चने डाल दिए हैं चने के अंदर मैंने गरम मसाला चाट मसाला ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर नमक लाल मिर्च और चिली गार्लिक सॉस डाला है उसके बाद जो है मैं इसके अंदर इमली का सॉस डाल के इसे मिक्स करूँगी हमारी ज़बरदस्त किस्म की चने की चाट जो है वो तैयार हो जाएगी इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें और डालनी हैं वो इन शाला हम सुबह डालेंगे अब आज के लिए जो है मैं अपने खाने पकाने से बिल्कुल फारग हूँ तो मैंने बाहर बैठने की सारी जगह साफ़ सुथरी कर ली वैसे भी जब रात में सब लोग सोने चले जाते हैं तो अमन अमान हो जाता है और ये देखिए मेरा नया रनर कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से मेरे पास आई हैं और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मैं इस ईद पर उन्हें इस्तेमाल करना चाहती थी तो ये खूबसूरत से कप ये रनर और एक दो फूड सर्वर्स जो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी तो ये सब चीज़ें आई थी तो इनकी वजह से जो है मेरा दिल जा रहा था कि थीम भी इन्हीं के हिसाब से रखी जाए तो बस जी देखिए माशाल्लाह मेरे ये वाले कप हैं बिल्कुल सिंपल से कप हैं लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं है ना और रनर भी मुझे बहुत पसंद आया बहुत कलरफुल था ये मैंने खाडी से मंगवाया अच्छा टीमों से जो है वो हमने ईद के बॉक्सेस मंगवाए थे आप ये देख लीजिए कि ये बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं बहुत फ्रजाइल हैं बहुत हल्के से हैं मतलब इनको आप ये नहीं समझ सकते कि ये बहुत ही कोई मज़बूत किस्म की चीज़ है लेकिन बहरहाल अगर आप इनको एहतियात से रखेंगे ना तो ये आपके हर ओकेजन पे काम आ सकते हैं इनका आजकल बहुत फैशन है आप इनको बना के इसके अंदर बलूस डाल सकते हैं इसके अंदर फेरी लाइट्स डाल सकते हैं और हर तरह के ओकेज़न पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन्होंने चूँकि ईद के लिए भेजा था तो इसमें ईद के अल्फ़ाबेट्स थे तो बस फिर हम इसके ऊपर वो लगा के इन्हें असम्बल कर देंगे तो फ़िलहाल मेरी टेबल के लिए जो है वो यही डेकोरेशन है इस दफ़ा मैंने सिल्वर थीम रख ली तो फिर उसके बाद मैं ख़ुद ही मुश्किल में आ गई क्योंकि देखिए गोल्डन चीज़ें ना बहुत आराम से आपको मिल जाती हैं अपने घर में सिल्वर नहीं मिलती तो बस अगर आप लोग मेरे जैसे हैं तो यकीनन आपके पास भी कहीं डब्बों में सालों से कोई चीज़ें बंद होंगी पता नहीं कौन से मौक़ों के इंतजार में आप यकीन करें तकरीबन 12 साल पहले मेरी फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये मुझे सिल्वर सेट गिफ्ट किया था और ये तब से डब्बे में बंद है पता नहीं किस मौक़े के इंतज़ार में मैंने सोचा कि चलें जी आज वो मौक़ा आ ही गया है और इसको जो है वो हम इस्तेमाल कर लें तो वो सब की सब चीज़ें मैंने निकाली और फिर अब मैं इस वक्त रात को पौने दो बजे जो है वो अपना टेबल सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल खामोशी और अमनो अमान हो उसी टाइम पे जो है वो आप अपने टेबल का जो है वो पूरा डिज़ाइन पहले से सोच लें क्योंकि सुबह आपको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता अच्छा मैं आप लोगों को फ्रेंकली बताऊँ मुझे इस टाइम पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे अपना टेबल छोटा लग रहा था और चीज़ें ज़्यादा लग रही थी तो बस फिर मैं थोड़ी देर बाहर जाके बैठी थोड़ा रिलैक्स हुई थोड़ा सा मैंने कुछ खाया पिया और फिर मैं वापस किचन में आई मैंने सोचा कि अगर अब मैं रनर को थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ सीधा बिछाने के बजाय अगर मैं इसको डायग्नली बिछाऊँ तो डेफ़िनेटली मेरे टेबल के जो है ना मैं कुछ सेक्शंस बना सकती हूँ उससे मुझे ज़्यादा जगह मिल जाएगी सीधा रनर बिछाने से ना मुझे बहुत कोई ब्लॉक दिख रहा था जिसकी वजह से मेरे सेटिंग uh, में ना बहुत बड़ा इशू हो रहा था आई डोंट नो आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है ना उसी तरह से सेटअप ब्लॉक भी आ जाता है आपको समझ भी नहीं आता कि आपने चीज़ें कैसे करनी है बस एक चीज़ आप करेक्ट रख लें तो उसके बाद सब कुछ अच्छे से अलाइन हो जाता है तो जी ये दो सर्वर्स जो हैं वो इस दफ़ा मेरे पास कराची से आए हैं और आप देख लें इनके नीचे कैंडल्स लगी हुई हैं बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे खाना गर्म कैसे रहता है तो एक तो आप इस तरह की डिशेज़ यूज़ करें कि जिसके नीचे कैंडल्स लगी तो आपका खाना बहुत देर तक गर्म रहता है और इसके अलावा भी एक और तरीका है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मेरे पास ये मिट्टी की कुनाली या चाटी क्या कहते हैं इसको मेरे ख्याल कुनाली कहते हैं तो इसमें दही जमता है तो ये भी मौजूद थी और ये भी मेरे पास जो है वो ब्रांड न्यू एक हांडी थी अच्छा आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर इसमें खाना पकाना हो तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है फ़िलहाल तो मैं इसको सिर्फ सर्विंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ तो आपने भूलना नहीं है मुझे बताना है कि मिट्टी के बर्तन कैसे इस्तेमाल होंगे तो यहाँ पे हमारे पास रोटियों का एक पॉट है जो कि बहुत खूबसूरत है बचपन में इस तरह के पॉट में से सांप निकलते थे है ना याद है सांप वाला आता था पटारी लेके तो ऐसी ही होती थी उसकी पटारी अब देख लीजिए कि बस फैशन ही बन गया है इन पटारियों में रोटी रखने का गर्म नहीं रहती वैसे बहुत ज़्यादा देर लेकिन अच्छी ज़रूर लगती है तो बस जी अब मुझे समझ आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा सजा नहीं सकती जितना मैं दीवार को सजा सकी या कॉर्नर को सजा सकी बट उतना ही पॉसिबल है मेरे लिए तो बस ये वाली जो ट्रॉली है ये जब मैंने इफ्तार की दावत में रखी थी तब भी लोगों को बहुत पसंद आई थी तो मैंने सोचा कि ईद पे भी जो है वो कहीं ना कहीं मैच हो ही जाएगी वाइट और सिल्वर तो इसको भी रख लेती हूँ तो बस हम सिर्फ कोने को ही डेकोरेट कर सकते हैं जहाँ पे हमने ईद के बॉक्सेस रखे हैं और एक दो डेकोरेटिव आइटम मैं उस कॉर्नर में रखूँगी क्योंकि मैं पूरी टेबल की स्पेस को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ तो आप लोगों ने भी जब टेबल का सेटअप करना है अपनी डिशेस के हिसाब से आपने बर्तन निकालने हैं और कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है किस में क्या डालना है वो आप पहले से सेट करके रखेंगे तो बस जी यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि मेरा सारा काम हो गया है पीच केक की फ़्रिज में जगह नहीं थी और अभी अभी फ़्रेश बन के रखा था बन के निकला था तो मुझे पता था ये आराम से ठंडा होगा अपना टाइम लेगा तो मैंने इसको बाहर ही सर्विंग डिश में निकाल के रख दिया है और यहाँ पे आप मेरा जो है ना वो फुल लेआउट देख सकते हैं माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा टेबल सेटअप करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ओपन हाउस रख रहे हैं और स्लॉट्स में रख रहे हैं कि सुबह आपको नाश्ता सर्व करना है स्नैक्स सर्व करने हैं बिरयानी किस टाइम पे सर्व करनी है तो हर चीज़ के बर्तनों को अपने जहन में रखिए ताकि उस टाइम पे आपको कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े कि कौन सी चीज़ मैंने किस में डालनी है और बिरयानी का बर्तन तो मैं निकालना भूल ही गई तो ये वाला चक्कर नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि वो तमाम सर्विंग डिशेस यूज़ करें जो अवन में जा सकती हैं अगर आपके पास अवन है तो बेस्ट होगा कि आप सब अवन प्रूफ डिशेस ही यूज़ करें तो जी मैंने अपना एक वेक सा कॉन्सेप्ट बना के कि सुबह मैंने क्या करना है फ़ाइनल किया और मैं सोने चली गई और जी माशाल्लाह ये है ईद की सुबह और फजर मैंने पढ़ ली थी और हुसैन साहब को भी सुबह सुबह उठा दिया था हालांकि बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही थी इनकी लेकिन एक्साइटमेंट के मारे उठ गए तैयार हो गए और माशाल्लाह वॉक करके भाग भाग के नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं अगर मैंने सुबह ग्यारह बजे गेस्ट्स को ना बुलाया होता तो मैं भी नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाती तो जी अभी साढ़े आठ ही हुए थे तो मैंने तेल के अंदर जो है वो राई ज़ीरा कलौजी और कड़ी पत्ता इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है और आलू के जो है वो मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए थे और उनको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी साथ में मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाली है इसमें हम डालेंगे पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे तो आप यकीन करें पंद्रह मिनट में ये ज़बरदस्त किस्म के गल जाते हैं एंड में आपने इसके अंदर एक टेबल स्पून भर के अचार डाल देना है दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि स्लो कुकर पे हलीम पक रहा था उसको मैंने दोबारा से बघाड़ दिया है ताकि ऊपर खूबसूरत सा प्याज की खुशबू भी आ जाए और देखने में भी हलीम खुश शक्ल हो जाए तो माशाल्लाह आप देख लीजिए कि हलीम भी तैयार है यहाँ पे अंडे मैंने बॉईल करके रखे हैं और उन्हें मैं अब हाफ में कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनको चनों के ऊपर सेट करना है इतनी देर में अब मैं जा के जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई हूँ क्योंकि कुछ टाइम में जो है वो मेरे फ्रेंड्स के आने का फ़ोन आ चुका हुआ है कि वो इन शाला तै पहुँच जाएंगे तो अब फ्रिज से आपने सारा सामान निकालना है और जो चीज़ें अवन में जा सकती हैं उसके अंदर सर्विंग के हिसाब से कितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से आपने डाल के जो है वो इन चीज़ों को गर्म करना है सारा खाना एक साथ गर्म नहीं कीजिएगा अच्छा यहाँ पर जो है वो मैंने बिरयानी मसाला सवैयाँ चने और हलवा ये मैंने अवन में रख दिया था बिल्कुल उसकी मिनिमम आंच पे तो बाय द टाइम आप तैयार होंगे आप कपड़े चेंज करेंगे आप कोई काम करेंगे जब तक आप फारिग होकर आएंगे आपका खाना गर्म हो गया होगा बग़ैर जले हुए बगैर किसी हैसिल के बग़ैर किसी परेशानी के बग़ैर आपको उसके सर पे खड़े हुए गर्मा गर्म खाने को देख के बहुत खुशी होगी यहाँ पे मैंने जो है वो सवैयों के ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ी डाल दी है देखें बर्फ़ी जो है वो ज़रा अच्छा लुक देती है ना इसी तरह से मैंने सर्विंग डिश में शेर ख़ुरमा भी निकाल लिया है जो हमने कल बनाया था एक्चुअली वो मैंने इफ्तार के बाद ही बनाया था लेकिन मैंने आपको कल ही उसकी रेसिपी शो कर दी थी और बस इनको भी अच्छे से, से सेट कर लेंगे डेकोरेट कर लेंगे यहाँ पे मैंने पराठे जो हैं वो गरम किए हैं और नान गरम किए कोई मुझसे पूछ रहा था कि अवन में नान और पराठे गरम हो सकते हैं जी बिल्कुल हो सकते हैं आप इन्हें फॉइल में लपेट के अवन में रख दीजिए ये गरम के गरम ही रहेंगे लेकिन मैंने बहरहाल साथ साथ ही गरम किए थे और इनको मैंने रोटियों के डब्बे में बंद कर दिया था तो जैसे जैसे लोग आ रहे थे मैं साथ साथ जो है वो नान और पराठे गर्म कर रही थी ग्यारह सवा ग्यारह बजे तक मेरी अभी फ़्रेंड नहीं आई थी तो मैंने बिरयानी को भी दम लगा दिया था हालांकि सुबह नाश्ते में मैंने बिरयानी सर्व नहीं करनी थी ये तकरीबन एक बजे सर्व होनी थी लेकिन ग्यारह बजे मैंने इसको भी दम दे के बस रख दिया था कि ताकि मेरा अब करने वाला कोई काम ना हो तो बस जैसे ही हमें पता चला कि नेक्स्ट टेन मिनट्स में जो है हमारी फ्रेंड आ जाएंगी तो मैंने ये जो पैटीज़ आपके साथ बनाए थे इसके ऊपर लगाई है अंडे की जर्दी और इसको मैं एयर फ्रायर में डाल दूँगी तो जी जब तक हमारी सारी चीज़ें गर्म हो रही हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं थोड़ी सी सजावट और थोड़ी सी ईदी यहाँ पे बहुत मजे की बात हो रही थी कॉन्वर्सेशन के मेरी बेटी पूछ रही थी कि अम्मा ये पेटीज कहाँ से आए तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बेटा ये तो घर में बने हैं तो हमारी औलाद को पता ही नहीं था कि अम्मा ने घर में क्या कुछ बनाया है तो इतनी तो बेखबरी है बस मैंने सर्व करने से जस्ट पहले मैंने पाउडर शुगर जो है वो पीच केक के ऊपर छिड़क दी इनफैक्ट मेरी दोस्त ने ये छिड़की है ताकि जो है वो आपको पीच केक खाने का डबल मजा आए अब यहाँ पे जो है वो आपको सब चीज़ों का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से होगा हर डिश के नीचे जो है वो छोटी कैंडल जल रही है आपने सारा खाना जो है वो गरम करके इनके ऊपर रखा है तो खाना बहुत देर तक गरम ही रहेगा क्योंकि नीचे कैंडल्स जली हुई हैं और अगर कैंडल्स नहीं जली हुई हैं तो आप अपने खाने के बर्तन जो हैं वो अवन में बिल्कुल हल्की आँच पर रखें उससे खाना जलता नहीं है ख़राब नहीं होता है आपको बार बार देखना नहीं पड़ता और आप जब चाहें उसे निकाल के सर्व कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि बहुत गर्म हो गया है तो आप बीच बीच में अवन को ऑन और ऑफ़ भी कर सकते हैं दूसरी बात यह कि कबाब हो गया हलीम हो गया या सालन हो गया सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में सर्व करें जितने आपके गेस्ट आ रहे हैं आपको हर चीज़ को मुंह तक भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस तरह से भी चीज़ों को गर्म रखना बहुत आसान हो जाता है चाय बनाने के लिए मैं यूजुअली ये करती हूँ कि जैसे ही लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ क्योंकि मुझे मिक्स चाय बनानी होती है इलायची वाली लेकिन कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि चाय बना के फ़्लास्क में डाल देती हूँ ताकि देर तक लोग पी सकें इसी तरह से अगर आप टी बैग्स की चाय सर्व करेंगे तो फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी ही सर्व करना है लोग अपनी चाय खुद ब खुद बना सकते हैं तो अब आपकी चॉइस है कि आप चाय किस तरह से सर्व करना चाहते हैं किसी ने मुझसे कहा था कि गुडी बैग का फाइनल लुक दिखा दें तो शायद मैंने उसकी पिक्चर नहीं खींची लेकिन आपको बच्चों के हाथ में नज़र आ जाएगा इसमें मैंने कलरफुल पेपर डाल दिए थे जिसकी वजह से ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था तो जी दोपहर एक से डेढ़ बजे तक जितने गेस्ट हमारे पास आए ग्यारह से डेढ़ बजे के दौरान उन सबको मैंने वही सब कुछ सर्व किया जो मैंने आपको दिखाया था नान पराठे सालन कबाब और सुबह का नाश्ता लेकिन डेढ़ बजे के बाद जितने गेस्ट आए उनके लिए हमने बिरयानी सर्व की चूँकि मेरी सर्विंग डिश बहुत बड़ी है तो आप ये मत समझें कि मैंने बिरयानी कम निकाली है बस हर दफ़ा जितने लोग आते थे उतनी बिरयानी मैं निकाल के उसमें रख देती थी, थी इस तरह से ये होता था कि बिरयानी गर्म भी रहती थी और हर एक को मज़ेदार और गर्मा गर्म खुशबू उड़ाती हुई बिरयानी खाने को मिलती थी और जी सॉस पैन से चाय डालना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में चाय थी और कैटल में डायरेक्ट एम करना मुश्किल था तो मैंने फिर ये इसकी जुगाड़ निकाली कि मैं चाय को एक जग में डालती थी और फिर उससे जो है मैं उसे केटल में ट्रांसफ़र कर लेती थी इस तरह से जो है वो चाय निकालनी बहुत आसान हो जाती थी और माशाला चाय ड्यूटी पर आप अपनी किसी न किसी दोस्त को लगा दें वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी कर अरे वही तो बुलाओं को तो तो। उसके बाद मैंने दो अल्लाह हाफिज बेटी तो आई होप कि ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे इससे होता यह है कि आपके पास एक टाइम पे बहुत सारे गेस्ट नहीं आते अदरवाइज़ मज़ा ही नहीं आता आप एंटरटेन भी नहीं कर सकते आप बात भी नहीं कर सकते जब आप स्लॉट्स देते हैं तो उस टाइम के अंदर जो है वो गेस्ट आते हैं और जब तीन चार स्लॉट्स होते हैं तो हर आदमी अवेलेबल होता ही है अगर किसी को लंच पर जाना है तो वो दोपहर में आपके पास आ जाएगा अगर किसी को रात को डिनर पर जाना है तो वो सुबह में आ जाएगा है ना तो इस तरह से आपका कोई भी फ्रेंड मिस आउट नहीं होता अलहमद इसके बाद आप जो देखेंगे वो साढ़े छः बजे और ऑनवर्ड्स के स्लॉट की तैयारी है इसमें भी सेम चीज़ें होंगी आप देख लीजिए खाना किस तरह से अवन में गर्म है स्लो कुकर पे आपका हलीम है और आपने फ्रायर में जो है वो बॉक्स पेटीज बना ली हैं तो बस जी किस्सा मुख्तसर कि आपने सिर्फ नीयत करनी है कि आप खुश असलूबी से लोगों को अपने रिस्क में शामिल करना चाहते हैं तो फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी हर चीज़ जो है वो आपकी नीयत पे डिपेंड करती है ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने दुबई में स्टार्ट किया था इसलिए क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा जानने वाले थे और फर्स्ट डे सब के सब हमारे पास आते थे तो अगर एक ही टाइम पे सब लोग आ जाएं तो उनको एंटरटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था तो इसलिए हम ऐलान करते थे कि डे वन पे हम घर में ही रहेंगे जिसका जब दिल चाहे हमारे घर आ जाए तो उस तरह से जो है ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और फिर यहाँ पर आके तो हमारे कोई जान पहचान वाले करीबी अजीज अकारब कोई भी नहीं होता था तो उस वक्त जो है वो हमें बहुत तन्हाई का एहसास हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमने दोस्तियाँ की तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को ईद का किस तरह से पता चलेगा हम इतनी दूर आके बैठ गए हैं तो जब ये बड़े होंगे तो इन्हें क्या पता होगा कि ईद क्या होती है लोगों से मिलना क्या होता है और किस तरह से जो है वो ईद पे लोगों की खातिर तोज़ा करनी चाहिए दिल को बड़ा रखना चाहिए तो इसलिए जो है वो हमने ये शुरू किया मेरे बचपन में हम अकेली फैमिली कराची में रहती थी और बाकी सारे लोग जो हैं वो दूसरे शहरों में थे तो ईद बहुत अकेली होती थी और मुझे अकेली ईद बहुत बुरी लगती है बचपन से ही और अल्लाह ताला के देख लीजिए काम ऐसे हैं कि आपको परदेश दे दिया यानी कि अकेली ईदें जो हैं वो आपके लिए लिखी दी हैं तो बस अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे के हम अपने बच्चों को ये तरीक़ा सिखा सकें कि जहाँ भी रहें ईदों को किसी ना किसी तरह से जो है वो रंगीन बना सकें आई होप कि आज के व्लॉग से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और ये हमारा ईद का चांद है वैसे बचपन में तो ईद का चांद देखने के लिए इतना अहतमाम करना पड़ता था मगर इस साल तो रमज़ान का चांद और ईद का चांद सब मैंने बेहद और बेशुमार देखे अच्छी बात है जी और यहाँ पे अब हम आ गए हैं अब यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा सफाई प्रोग्राम और आप लोग सब देख लीजिए कि कितना खाना जो है वो बचा हुआ है जबकि मैंने आपके सामने कितना कम कम पकाया था तो इसको कहते हैं बरकत और जी यहाँ पे बच्चे गिफ्ट देख के खुश हो रहे हैं जो मेहमान उनके लिए लेकर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह जी इन गिफ्ट्स के बगैर भी मेहमान आते तो हम उनका इसी तरह से इस्तकबाल करते क्योंकि उनकी आमद ही हमारे लिए तोहफ़ा है तो सब चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की तौफीक से होती हैं इंसान की इस्तात कुछ भी नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से तमाम खैर से काम हुए हमारे अच्छा ईद का दिन गुज़रा और मेरी आप सब के लिए दुआ है कि रमज़ान में जो इबादतें और दुआएँ की हैं अल्लाह तला तमाम कबूल फ़रमाएं आपके हक़ में बेहतरी के साथ और आपको अच्छे बेहतरीन और नेक लोगों का साथ नसीब करे जो आपके लिए अच्छा नहीं कहते नहीं चाहते नहीं करते उन्हें खुद ब खुद आपसे दूर कर दे और आपके दिल को उनकी तरफ से कभी कोई तकलीफ़ ना पहुंचे और आप आपको हमेशा इतमान ही रहे और अल्लाह आपको भी दूसरों के हक़ में नेक बनाए आमीन सुमा आमीन और देख लीजिए भाई रात को इतनी देर से मैं अपने लिए ज़रा सी बिरयानी लेके बैठी हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं थी सिंक साफ है बर्तन धुल गए हैं क्योंकि यही टाइम है इस वक्त काम करने का सुबह मुझे पता है हमें कोई हिम्मत नहीं होगी और ये सफाई सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क की वजह से है इसमें मेरा बहुत कम हाथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकर दे और हर तरह की बुरी नज़र से महफूज व मामून रखे आपको भी और हम को भी फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में ईद मुबारक खुदा हाफिज